हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी में दिए गए गद्य खंड को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, उसमें क्या सावधानियां बरतनी, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इन सारी बातों के विषय में अध्ययन करें। कोई भी पैसेज जो हिंदी में दिया गया है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए, उसमें इतनी सारी विशेषताएं हो सकती, आप जानते हैं कि वाक्य चाहे कुछ भी लिखिए, चाहे पैसेज में लिखिए, अलग से लिखिए, वह सब टेंसेज पर आधारित होते हैं। परंतु क्योंकि वाक्य कई प्रकार के होते हैं, अर्थ के दृष्टिकोण से, बनावट के दृष्टिकोण पर, आपको पता है कि अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य पांच तरह के होते हैं, सार्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। बनावट के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं, एसर्टिव, सॉरी सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित। जब भी आप पैसेज में देखते हैं तो पैसेज में सिंपल सेंटेंसेस भी लंबे होते, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी सेंटेंसेस भी लंबे लंबे होते, विभिन्न प्रकार के संयोजक कंजंक्शन का प्रयोग करके उनको जोड़ करके लंबा बना दिया जाता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वाक्य लंबे लंबे दिए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के संयोजक जो प्रयोग किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं, उसका नियम क्या है। इनके साथ साथ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कालानुक्रम का नियम क्या है, कुछ विशेष कंस्ट्रक्शन वाले, स्पेशल कंस्ट्रक्शन वाले वाक्य होते हैं उनका टेंसेस, साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तोड़ दिया गया हिंदी वाक्य को तो आपको पता है कि हिंदी वाक्य में केवल की लगा के छुट्टी पा ली जाती है, लेकिन अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे नियमों का पालन होना चाहिए। को रिलेटिव जितने कंजंक्शन हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, उनके बाद उपवाक्य जो प्रयोग किया जाता है उसकी क्रिया कैसे रहेगी, इन सारी बातों का अध्ययन होना चाहिए। अब आइए पैसेज 93। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा सुदोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा सुदोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थवश सिद्धार्थ थे। दी सन ऑफ किंग सुदोधन, आप कपिलवस्तु, सिद्धार्थ वास, सिद्धार्थ थे। दी सन ऑफ किंग सुदोधन, आप कपिल वस्तु। सारे यहां देख रहे हैं ना, यहां सुदोधन के आगे कपिलवस्तु, सुदोधन, सिद्धार्थ वास, दी सन ऑफ किंग सुदोधन, आप कपिल वस्तु। कपिल वस्तु छूट गया, आप बना लेंगे सिद्धार्थ वस्तु, दी सन आप दी किंग सुदोधन, आप कपिल वस्तु। उनकी माता का नाम माया देवी था। हिज मदर्स नेम, उनकी माता का नाम वास माया देवी। हिज मदर्स नेम वाज माया देवी। राजा ने उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। राजा ने उनकी शादी एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। The king got him married. The king got him married with a beautiful princess named यशोधरा। The prince, the king got him married with a beautiful प्रिंस यशोधरा।
उन्होंने यशोधरा के साथ महल में पूर्ण आनंद का जीवन बिताया। ही पास्ड उन्होंने बिताया, ही स्पेंट उन्होंने गुजारा, ए कंफर्टेबल लाइफ, ही पास्ड ए कंफर्टेबल लाइफ विथ यशोधरा इन द पैलेस। उन्होंने बिताया ही पास्ड ए लाइफ ऑफ कंफर्ट, आराम का जीवन विथ यशोधरा, यशोधरा के साथ इन द पैलेस महल। उन्होंने दुख, वृद्धावस्था, बीमारी अथवा मृत्यु का ज्ञान नहीं था। He knew nothing, वो कुछ नहीं जानते थे, या he did not know anything, he did not know, वो नहीं जानते थे about sorrow, he did not know, वो कुछ नहीं जानते थे about sorrow, old age, sickness, or death, या and death. He did not know anything, वो कुछ नहीं जानते थे about sorrow, old age, sickness, or अथवा death. एक दिन राजकुमार ने महल से बाहर के संसार को देखने की इच्छा की। One day, एक दिन The prince wished, one day the prince wished to visit, देखने की, to see, देखने की, the world outside of the palace. One day, एक दिन, the prince wished to see the world out of the palace. चन्ना उनका सारथी था, चन्ना वाज हिज चैरिटियर, चन्ना वाज हिज चैरिटियर। प्रथम भ्रमण में राजकुमार ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट, प्रथम भ्रमण के समय, ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट, प्रथम भ्रमण के दौरान, द प्रिंस सा एन ओल्ड मैन। During his first visit, the prince saw an old man, बूढ़े आदमी को देखा। चन्ना ने राजकुमार को बताया कि वृद्धावस्था सभी को आती है। चन्ना ने राजकुमार को बताया that the old age comes to us. The old age comes to us. क्योंकि कब का केम इसलिए नहीं लिखेंगे कि ये सत्य बात है, वृद्धावस्था सभी को आती है, तो उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। चन्ना ने राजकुमार को बताया कि वृद्धावस्था सभी को आती है। चन्ना टोल्ड द प्रिंस द ओल्ड एज कम्स टू इट, सबको आती है या एवरीबॉडी। द्वितीय भ्रमण के समय राजकुमार ने एक बीमार व्यक्ति तथा एक मुर्दे को देखा। ड्यूरिंग द सेकेंड विजिट, द्वितीय भ्रमण के दौरान, ड्यूरिंग द सेकेंड विजिट, द प्रिंस सा, राजकुमार ने देखा ए सिक मैन, एक बीमार आदमी, एंड ए डेड बॉडी, एक मुर्दे। ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट, अपने द्वितीय भ्रमण के दौरान, द प्रिंस सा, राजकुमार ने देखा ए सिक मैन एंड ए डेड बॉडी। राजकुमार ने चन्ना से इस बारे, इन सारे बातों का रहस्य पूछा। द प्रिंस आस्क्ड चन्ना, द प्रिंस asked Channa, the secret of all these things, in sari baton ke vision. The prince asked Channa, the secret of all these things, in sari chijo ke bare.
चना ने बताया कि वृद्धावस्था बीमारी मृत वास्तविकताएं हैं। चना टोल्ड हिम, चना ने उन्हें बताया दैट द ओल्ड एज सिकनेस एंड डेथ आर रियलिटीज। चन्ना टोल्ड हिम, चन्ना ने उसे बताया दैट ओल्ड एज वृद्धावस्था सिकनेस बीमारी एंड डेथ आर रियलिटीज। राजकुमार बहुत दुखी होता, डिप्रेस बीकेम वेरी सैड, प्रिंस बिकेम वेरी सैड। राजकुमार बहुत दुखी हुए, उन्होंने राज्य को त्यागने का निश्चय कर लिया। ही डिसाइडेड टू गिव अप द किंगडम, उन्होंने कहा कि संसार के दुख को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ही सैड, उन्होंने कहा दैट ही वुड ट्राई, वो कोशिश करेंगे टू रिमूव, दूर करने दी सफरिंग फ्रॉम दी वर्ल्ड। ही सेड, उन्होंने कहा दैट ही वुड ट्राई टू रिमूव दी सफरिंग, कष्ट परेशानी फ्रॉम दी वर्ल्ड, इस संसार। तो इस तरह से आपने देखा कि दिए गए पैसेज को, हिंदी गद्य खंड को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बहुत सावधानी बरतते हैं। थैंक यू।